टुडेज अवर टॉपिक इज मोशनल ईएमएफ ड्यू टू फैराडेज लॉ. एज यू सी इन डायग्राम वी हैव इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड्स, मीन्स दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड विच आर गोइंग इन टू द सर्फेस, गोइंग इन टू द सर्फेस. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस सिंबल. इफ इट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द सर्फेस तो इंस्टेड ऑफ क्रॉस सिंबल वी हैव डॉट सिंबल. अब हमारे पास यहां पे क्या है, यू शेप्ड कंडक्टिंग वायर है और एक रॉड है. हम क्या कर रहे हैं, इस रॉड को वायर के ऊपर मूव करा रहे हैं, इसलिए इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है. तब यहां पे एक स्क्वायर लूप बनता हुआ दिख रहा है, पी क्यू आर एस. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ये एनक्लोज एरिया रिस्पॉन्सिबल है. हम देख सकते हैं इसकी लेंथ एल है हमारे पास और इंक्रीज इन विथ जो है वो डेल्टा एक्स है. तो देखते हैं फैराडेज लॉ. यहां पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वी कैन राइट एज दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी. Let it be a equation 1. But magnetic flux phi is equal to, it is B dot A, which is B A cos theta. Theta, what is theta here? You find that the area vector and magnetic field both are इन अ सेम डायरेक्शन. ये जो लूप बनेगा उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस मतलब ऐसे आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे है, मतलब एरिया जो थीटा एंगल है वो जीरो आएगा. सो कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो इज वन, सो इट इज ओनली बी ए. क्वेश्चन इज व्हाट इज ए. सो ए इज एरिया स्वाइप और एनक्लोज एरिया दैट इज ए इज इक्वल टू, we take it as length into width, which is L into X. Clear? So, this flux become as B into L into X. Clear? Then, putting this value of magnetic flux in equation 1, putting value of flux 5 in equation 1, it become as induced EMF epsilon is equal to, it is d by dt, phi value is b l x. Now here b is constant, l is constant, only variable is x because rod is moving in this direction, so x is changes. Clear? So it is b l in a bracket dx by dt, which is b L V. So this is motional EMF epsilon equal to. Clear?